अगला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज, ओके सो एंड सो 1:3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो इट इज 1:3×10^7। टू सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, ठीक है। तो ये मैप की स्केलिंग है। क्वेश्चन नंबर टू में द मैप स्केलिंग इज गिवन टू यू, इट इज गिवन टू यू 1:3×10^7 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 जीरोज आर देयर, ओके। जैसे 100 को 2 जीरोज हैं तो आप 100 को लिख सकते हो 10^2, ओके। 10×10 इट विल गोइंग टू गिव यू 100, ओके। अगर 3 जीरोज हैं तो आप इसको लिख सकते हो 10^3। अगर 4 जीरोज हैं तो आप लिख सकते हो उसको 10^4। तो उसी तरीके से 7 जीरोज होंगे तो 10^7 लिखोगे आप, ठीक है। सो 1:3×7 इज द स्केलिंग। इसका मतलब है, ओके, रेशियो में ही दिया है, इसका मतलब है जो ये 1 है ये तो मैप की स्केलिंग है, ओके। गेटिंग माई पॉइंट, 1 इज नथिंग बट द मैप की स्केलिंग या मैप की डिस्टेंस है ये, और ये जो है ये एक्चुअल स्केलिंग है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है या एक्चुअल स्केलिंग है, ओके। गेटिंग माई पॉइंट, तो यहां पर आप देखो मैप की स्केलिंग को आप अगर आप एक्स लेते हैं सपोज, और एक्चुअल स्केलिंग को अगर आप वाई लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x:y=y, एक्चुअल है 1:3×10^7, ओके। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। टू सिटीज, सी टू सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, तो ये मैप की स्केलिंग है। मैप की स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब ये x है, तो x 4 सेंटीमीटर, आप x की जगह 4 सेंटीमीटर रख लीजिए, ओके, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो x की जगह 4 सेंटीमीटर रखेंगे आप, 4:y, ओके, 4:y विल गोइंग टू गिव यू 1:3×10^7, ओके। सॉल्व फॉर y, यू विल गेट द आंसर। तो यहां से y कितना आ जाएगा, सो 4/y=1/3×10^7, और y विल बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12×10^7, इट विल बी इन सेंटीमीटर्स बिकॉज y इज इन सेंटीमीटर, ओके ओके, बट वी वॉन्ट इन किलोमीटर्स, वेरी गुड। y क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस, हमें एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए इन किलोमीटर्स। तो कैसे करेंगे, एज यू नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है, और मुझे तो सेंटीमीटर में चाहिए, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो आ गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 जीरो और आ जाएंगे, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप ऐसे कह सकते हैं दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^5, ऐसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^5 सेंटीमीटर, ओके। तो 1 अपॉन 10^5 जाएगा, सो वाई विल बी इज इक्वल टू 12×10^7/10^5 किलोमीटर, ओके। बस अब पावर्स सी, ये तो आपको पता ही है, अगर ए की पावर बी अपॉन ए की पावर सी होगा तो इसको होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ए की पावर बी माइनस सी। उसी तरीके से यहाँ पर कितना है, 10^7/10^5, इट विल गोइंग टू गिव यू 10^7-5, मतलब 10^2, सो वाई विल बी इज इक्वल टू 12×10^2, ओके। दिस वॉज द प्रॉपर्टी, सो वाई विल बी इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर, ठीक है, ओके। मैप की स्केलिंग और एक्चुअल स्केलिंग दे रखा था, ठीक है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ये इम्पॉर्टेंट है लेटर ऑन, जब आप लोग कभी भी मैप रीडिंग करेंगे तो यू शुड नो दिस स्केलिंग, ओके। और अंदाजन आप बता सकते हो कि अच्छा, दो सिटीज़ के बीच में अगर मैप में 4 सेंटीमीटर अगर इतना दिखा रखा है, इफ दिस मच इज 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो रियल डिस्टेंस है इट इज राउंड ऑफ 1200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपको उस सेंटीमीटर से माइंड में सोच कर कैलकुलेशन करके आपने क्या निकालना पड़ेगा, द एक्चुअल डिस्टेंस।